आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। इस वीडियो में हम लोग 29 जुलाई के इनसाइट की डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। एक बार टॉपिक्स देख लेते हैं। पहला टॉपिक है हमारा रशिया इंडिया चाइना RIC। सेकंड इज़ व्हाट आर प्री पैक्स अंडर द प्रेजेंट इंसॉल्वेंसी रिजीम। थर्ड इज़ हाई लेवल्स ऑफ अमोनिया फाउंड इन यमुना वाटर। फोर्थ इज़ ग्रीन AG प्रोजेक्ट एंड फिफ्थ इज़ ग्लोबल टाइगर डे। द टॉपिक RIC ग्रुपिंग, रशिया इंडिया चाइना ग्रुपिंग, दिस इज कवर्ड अंडर GS पेपर 2 इन इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस। कंटेक्स्ट में क्या है? अमिड द टेंशंस ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, द डोमिनेंट कॉल्स वर फॉर ए मोर डिसाइसिव वेस्टवर्ड शिफ्ट इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। देखो, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जहाँ पर इंडिया अपना बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ। रिसेंटली यहाँ पर बहुत सारी टेंशन देखने को मिली थी। इंडिया और चाइना का मिलिट्री स्टैंड ऑफ हुआ था। अभी भी MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की जो लेटेस्ट जो न्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग जो सेटलमेंट होना था ना, वो भी पूरे तरीके से हो नहीं पाया है। दे बोथ आर एक्सपेक्टिंग, इंडिया एंड चाइना, कि सेटलमेंट जल्दी से हो जाए। तो एक डिमांड उठ के आई थी, ठीक है ना, कि और ये चीज़ देखने को भी मिली थी कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है ना, उसका एक वेस्टवर्ड शिफ्ट है। वेस्टवर्ड शिफ्ट का मतलब क्या है? US अलाइंड पॉलिसी है हमारी। अब US रशिया और चाइना दोनों के ही अगेंस्ट है, और RIC जो ग्रुपिंग है इसके अंदर इंडिया रशिया और चाइना तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। However, लास्ट मंथ इंडिया ने डिसाइड किया था कि वो एक वर्चुअल मीटिंग अटेंड करेंगे। फॉरेन मिनिस्टर्स की थी, जो कि रशिया इंडिया चाइना का जो ग्रुप है इसकी। इस मीटिंग को एक इनकॉन्ग्रुअस देखा गया था इस सेटिंग के अंदर। तो ये जान लेते हैं इनकॉन्ग्रुअस वर्ड का मीनिंग हो जाता है ना, या तो कोई कीवर्ड होता है ना, कीवर्ड से पूरे पूरे सेंटेंस का मीनिंग फॉर्म हो रहा होता है। इनकॉन्ग्रुअस का मतलब होता है समथिंग विच इज़ नॉट इन हार्मनी और कीपिंग विद द सराउंडिंग्स, ठीक है ना, या फिर किसी चीज़ के एस्पेक्ट को मेंटेन करना। तो इस मीटिंग को देखकर ऐसा लगा गया था कि जो इंडिया का जो डिसीजन है ना, वो रशिया और चाइना की फेवर में कम है एंड इज़ मोर टुवर्ड्स द USA's फॉरेन पॉलिसी। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी वो US की तरफ इंक्लाइंड ज़्यादा है। तो ये बहुत बेसिक सा था, इसके बारे में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जानना। हमारे लिए जानना है RIC ग्रुपिंग क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए। कंसीव्ड बाय द देन रशियन फॉरेन मिनिस्टर येवगेनी प्रिमाकोव इन 1998। यहाँ पर आपको 1998 याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नाम अगर आप भूल भी जाते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्डली कोई चांस है कि प्रीलिम्स के अंदर ये नाम पूछा जाएगा। तो RIC ग्रुपिंग की स्टार्टिंग की थी रशिया के फॉरेन मिनिस्टर उस टाइम में 1998 में जो थे उन्होंने। ग्रुप का बेसिस था एंडिंग इट्स सबसर्वियंट फॉरेन पॉलिसी गाइडेड बाय द US एंड रिन्यूइंग ओल्ड टाइज विद इंडिया एंड फॉस्टरिंग द न्यूली डिस्कवर्ड फ्रेंडशिप्स विद चाइना। देखो, कोल्ड वॉर के टाइम पर ना प्रॉक्सी वॉर्स होते थे रशिया और चाइना के बीच में, दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में। तो लेकिन धीरे धीरे ट्रेड और इकॉनमी को ध्यान में रखते हुए ना, रशिया से ऊपर निकल के आ रहा था US। तो US ने अपना एक डोमिनेंस सेटअप करना स्टार्ट कर दिया था बाकी बहुत सारी कंट्रीज़ के ऊपर। इवन जो हमारा ये कोल्ड वॉर हुआ था वहाँ पर एक जो दो कंट्रीज़ की बहुत मेजर फाइट थी। तो एक साइड एक वर्ल्ड था जो रशिया को सपोर्ट कर रहा था, एक साइड एक वर्ल्ड था जो कि US को सपोर्ट कर रहा था। इंडिया ने चूज़ किया था कि वो नॉन अलाइन रहेगा, किसी के साथ भी एक साइड में नहीं जाना चाहेगा। लेकिन बहुत जगह पर ये देखने को मिलता था कि बहुत सारी कंट्रीज़ की जो फॉरेन पॉलिसी थी ना, वो US इंक्लाइंड थी, US को फेवर ज़्यादा किया जा रहा था क्योंकि ट्रेड वाली बात थी, ठीक है ना। ट्रेड रशिया में भी हो रहा था लेकिन इतना फेवरेबल ट्रेड नहीं हो रहा था वहाँ पर भी। तो अपनी उस ग्रुपिंग को रिन्यू करने के लिए, अपनी एक फ्रेंडशिप जो रशिया की इंडिया के साथ थी, रशिया की चाइना के साथ थी, ठीक है ना, उसको रिन्यू करने के लिए, ताकि वर्ल्ड की कुछ मेजर पावर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं रशिया के फेवर में रहें, ठीक है ना, सिर्फ US की तरफ ही सब कुछ ना हो जाए, उन सबको ध्यान में रखते हुए सबसर्वियंट वर्ड का मतलब देखो, यहाँ पर सबसर्वियंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर हमारे लिए। सबसर्वियंट का मतलब होता है समथिंग विच इज़ प्रिपेयर टू ओबे अदर्स अनक्वेश्चनिंगली, ठीक है ना। बहुत सारी ऐसी, इवन रशिया के अंदर भी कुछ पार्ट्स ऐसे थे जहाँ पर कि रशिया के कुछ पार्ट्स में कहूँगा जो अनक्वेश्चनेबली US की फॉरेन पॉलिसी को ज़्यादा सपोर्ट करते थे, ठीक है ना। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर का एक ही सुझाव था कि हम लोग RIC ग्रुपिंग करते हैं रशिया इंडिया और चाइना, क्योंकि तीनों के तीनों एशियन कंट्रीज के अंदर बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। वाई वॉज इट फॉर्म्ड? इन द अर्ली 2000s द थ्री कंट्रीज वर पोजिशनिंग देमसेल्फ फॉर ए ट्रांजिशन फ्रॉम ए यूनिपोलर टू ए मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। तीनों ही कंट्री ईयर 2000 के आसपास अपने आप को यूनिपोलर से लेकर मल्टीपोलर की तरफ एक ट्रांजिशन दिखा रहे थे। ट्रांजिशन वर्ड का मतलब होता है शिफ्टिंग, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना। यूनिपोलर का मतलब होता है एक ही डायमेंशन में, मल्टीपोलर का मतलब होता है मल्टीपल डायमेंशन के अंदर। तो तीनों ही कंट्री अपने आप को मल्टीपल डायमेंशन के अंदर एक्सपैंड कर रहे थे। 1991 के अंदर इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन पे काम किया, ठीक है, लिबरलाइजेशन के ऊपर काम किया, प्राइवेटाइजेशन के ऊपर काम किया। सिमिलर सी ही चीज़ें हर एक कंट्री में चलती आ रही थी, किसी की थोड़ी आगे किसी की थोड़ी पीछे। अब उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि तीनों कंट्रीज़ ने अपने आप को पोजीशन किया था, RIC ने शेयर किया था सम नॉन वेस्ट एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम एंटी वेस्ट परस्पेक्टिव्स ऑन द ग्लोबल ऑर्डर सच एज द एम्फोसिस ऑन सॉवरनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, इम्पेशेंस विद होमिलीज ऑन सोशल पॉलिसीज एंड ऑपोजिशन टू द रिजीम चेंज फ्रॉम अब्रॉड।
ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी। RIC तीनों ही कंट्रीज रशिया इंडिया चाइना के अंदर ना कुछ चीज़ें बहुत कॉमन देखने को मिली थी, जैसे कि तीनों का ही एक नॉन वेस्ट पर्सपेक्टिव था। अब नॉन वेस्ट का मतलब वो ये नहीं कह रहा कि एंटी वेस्ट का मतलब होता है कि दूसरे के अगेंस्ट जाना। वो कह रहे हैं कि नॉन वेस्ट का मतलब जो जैसा है उनके अगेंस्ट नहीं जा रहे, लेकिन हमारा एक अपना एक ओपिनियन है, अपना एक पर्सपेक्टिव है। तो ग्लोबल ऑर्डर के अंदर तीनों ही कंट्रीज़ का कुछ सिमिलैरिटीज़ देखने को मिली थी कि तीनों के तीनों इस चीज़ को शेयर करते हैं। प्लस में कुछ एम्फेसिस था, जैसे कि सॉवरनिटी, संप्रभुता के ऊपर तीनों ही कंट्रीज़ का फोकस था, अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के ऊपर फोकस था, एंड इम्पेशंस विद दी होमिलीज को जानो और इम्पेशंस को जानो। होमिलीज वर्ड का मतलब क्या था? होमिली बेसिकली एक स्पीच होती है, ठीक है ना, जो कि एक रोमन कैथोलिक चर्च के अंदर दी जाती है जब किसी स्क्रिप्चर को रीड किया जाता है। होमिली का पर्पस बहुत सिंपल सा होता है कि जो भी स्क्रिप्चर वगैरह को लीड किया जाता है ना, उसको रियल लाइफ के अंदर आप कैसे इंप्लीमेंट करते हो, उसकी डीपर मीनिंग को एक्सप्लेन किया जाता है। तो सोशल पॉलिसीज़ के अंदर ये चीज़ थोड़ी सी इनकरेक्ट देखने को मिल रही थी, तो तीनों कंट्रीज़ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इसके ऊपर एग्री कर रहे थे। ये पॉइंट्स थे, जब किसी आप ग्रुपिंग को स्टार्ट करते हो तो इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। ऑलराइट, एंड ऑपोजिशन टू द रजीम चेंज फ्रॉम अब्रॉड। जिस तरह से पूरे वर्ल्ड का ग्लोबल रजीम जो चेंज हो रहा था ना, अब्रॉड का मतलब क्या है, डायरेक्ट टारगेट है यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर और अमेरिका के ऊपर। जिस तरीके से वो पूरे वर्ल्ड के रजीम को चेंज करने की कोशिश कर रहे थे ना, उसको एक ऑपोजिशन दे रही थी तीनों कंट्रीज़ इंटरनली कहीं ना कहीं। उन सबको ध्यान में रखते हुए ये कुछ थाट्स थे जो तीनों कंट्री शेयर करते थे। Their support for the democratization of the global economic and financial agriculture moved to the agenda of BRIC. फ्यूचर में बाद में इन्हीं ने तीनों ने कंट्रीज़ के अंदर एक तीनों कंट्रीज़ विद अलॉन्ग विद ब्राज़ील, ब्राज़ील का इसमें एडिशन हो गया था, ये करते थे सपोर्ट डेमोक्रेसी को, ठीक है ना, ग्लोबल इकोनॉमिक को। ग्लोबल इकोनॉमिक का मतलब कि आपकी इकोनॉमी आप तक ही लिमिटेड नहीं है, जैसे नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया की जो इकोनॉमी है ना वो विद इन अपनी टेरिटरी के अंदर ही है। हार्डली वो कुछ एक चीज़ें होती हैं ना चाइना के साथ शेयर कर लेते हैं, अदरवाइज उनकी ट्रेड अपनी कंट्री के अंदर रहता है, ठीक है। प्लस में फाइनेंशियल आर्किटेक्चर बिल्डअप करना WTO के साथ करना, ठीक है, बैरियर्स वगैरह हटाना ट्रेड के एक दूसरी कंट्रीज़ के अंदर, ठीक है, और डबल टैक्सिंग के ऊपर काम करना। ऑलराइट, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए देखा कि चारों कंट्रीज़ का एक सिमिलर सा एजेंडा है, तो चारों कंट्रीज़ ने मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसका नाम है BRIC, ठीक है। बाद में इसमें साउथ अफ्रीका भी हड़ोता है, फिर इसका पूरा नाम बन जाता है BRICS, जिसके बारे में आप लोग जनरली एग्जाम में पढ़ते रहते हो, हम लोगों ने भी पढ़ा है। और अगर आप 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो डो नॉट वरी, ये टॉपिक पूरा का पूरा बहुत बार रिपीट हो जाएगा, ये टॉपिक चलते रहते हैं, आते रहते हैं, रिपीट हो जाएंगे। 2020 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप प्लीज़ पढ़ के जाना। सिग्निफिकेंस एंड पोटेंशियल ऑफ द ग्रुपिंग, तो इस पूरे के पूरे ग्रुप के सिग्निफिकेंस और पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब क्या हो गया कि पावर कितनी है इस ग्रुप के अंदर, ठीक है। अब जिस ग्रुप के अंदर ज़्यादा GDP होगी, ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, बड़ी कंट्रीज़ होगी, उस ग्रुप की नेचुरली पावर बड़ी हो जाती है ना। यूनाइटेड नेशंस के लोग सुनते क्यों हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के अंदर 193 कंट्रीज़ हैं यार, वोटिंग होती है तो बहुत सारी कंट्रीज़ एक साइड फेवर में झुक जाती हैंगी। जो कंट्रीज़ फेवर में नहीं होती उनको पता होता है कि यार बड़ी कंट्रीज़ को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इनके पास हमारे ट्रेड टाइज हैं इनके साथ हमारे, कल को हम इनको सपोर्ट नहीं करेंगे मे बी हमारे ट्रेड के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, मे बी हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो जिस ग्रुपिंग का जितना ज़्यादा पोटेंशियल होता है ना, इंटरनेशनली आपके रिलेशंस मेंटेन करने में उतना ही पावरफुल होता है। एक साथ मिलकर अगर बात करते हैं तो RSI ग्रुपिंग की जो कंट्रीज़ हैं उसमें 90% ग्लोबल लैंडमास आता है। 90% ग्लोबल लैंडमास का मतलब देखो, रशिया का लैंडमास सबसे बड़ा है एरिया वाइज अगर हम बात करें तो, रशिया लार्जेस्ट कंट्री है, इंडिया 7th लार्जेस्ट पड़ जाता है, चाइना का लैंडमास भी बहुत बड़ा है। पॉपुलेशन की बात करें तो टॉप 2 पॉपुलेशन हैं यहाँ पर, ठीक है, चाइना हो गया, इंडिया हो गया। और पूरे वर्ल्ड की जो कंट्री, तो ये जो लैंडमास था ना 90% है वर्ल्ड का, और प्लस में अगर हम GDP की बात करते हैं तो 33% GDP इन तीन कंट्रीज़ की हो जाती है मिलकर के। तीनों के तीनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, रशिया और चाइना तो यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स भी हैं, और इंडिया एस्पायर करता है कि वो परमानेंट मेंबर बन जाए। देखो बिल्कुल रिसेंट न्यूज़ में मैंने आप लोगों को इसी चैनल के ऊपर बताया भी था कि इंडिया अभी नॉन परमानेंट मेंबर बना है, ठीक है, और 2 साल के लिए बनते हैं नॉन परमानेंट मेंबर, ठीक है। 5 हमारे पास परमानेंट मेंबर्स होते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, ठीक है। और इंडिया अपनी सीट को जो नॉन परमानेंट मेंबर की है वो जनवरी 2021 से स्टार्ट करेगा 2 साल के लिए। द ट्राई कुड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू क्रिएटिंग अ न्यू इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड। अगर तीनों चाहें और चाहें क्या करते भी हैं कॉन्ट्रीब्यूट पूरे वर्ल्ड का एक नया इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें एशिया की तो एशिया के अंदर ये तीन कंट्रीज बहुत बड़ी हैं, देखा जाए तो साउथ एशियन कंट्रीज़ भी हैं, ठीक है, वियतनाम हो गया, हांगकांग हो गया, हांगकांग की तो खैर अब बैंड ही बच चुकी है जब से चाइना का वो न्यू सिक्योरिटी लो आया था वहाँ पर। बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपने रिलेशन टाइप उनके साथ ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिए हैं, कुछ ने कम कर दिए हैं, लेकिन बहुत सारी और भी कंट्रीज़ हैं यहाँ पर, ठीक है। तो लेकिन उसके आप बावजूद भी इंडिया, चाइना और रशिया तीनों के तीनों ने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को बना खड़ा कर सकते हैं एक नया यहाँ पर।
या तो फिर यूरोपियन कंट्रीज़ में है बहुत बड़ा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, या फिर पूरा का पूरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर है। लेकिन इधर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आज की डेट में चाइना के पास बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो। बट ये तीनों चाहे मिलकर तो बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर को खड़ा कर सकते हैं। फिर ये आपस में मिलकर डिज़ास्टर रिलीफ के लिए और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में भी काम कर सकते हैं। तीनों ही कंट्रीज़ के पास बहुत सारी वर्कफोर्स है, बहुत अच्छी मिलिट्री है, ठीक है, और एयर सपोर्ट देना हो, मरीन वाटर सब मरून सपोर्ट देना हो, ग्राउंड सपोर्ट देना हो, तीनों कंट्रीज़ एक दूसरे का डिज़ास्टर रिलीफ में और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में काम कर सकते हैं। प्रेजेंट सिचुएशन की अगर बात करें तो बहुत कुछ चेंज हुआ है रिसेंट टाइम्स के अंदर। इंडिया के जो रिलेशन थे ना यूएस के साथ सर्ज हुए हैं, सर्ज वर्ड का मतलब होता है उमड़ कर आए हैं, ठीक है, एकदम से इंडिया के जो रिलेशंस थे यूएस के साथ उमड़ कर आए हैं। एनकम्पासिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, अ लैंडमार्क सिविल न्यूक्लियर डील एंड अ बर्जनिंग डिफेंस रिलेशनशिप दैट मेट इंडियाज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डाइवर्सिफाइंग मिलिट्री एक्विजिशंस अवे फ्रॉम अ नियर टोटल डिपेंडेंस ऑन रशिया। देखो बर्जनिंग वर्ड का मतलब समझो यहाँ पर पहले, तो जैसे जैसे वर्ड की मीनिंग समझ में आ रहे होते हैं ना सेंटेंस का फॉर्मेशन एकदम समझ में आ जाता है। बर्जनिंग वर्ड का मतलब है बिगेन टू ग्रो और इंक्रीज समथिंग रैपिडली, कोई भी चीज़ फ्लरिश हो रही होती है ना उसकी बात कर रहे हैं। एक लैंडमार्क सिविल न्यूक्लियर डील हुई थी, उसके बाद जो डिफेंस रिलेशनशिप थी ना इंडिया और यूएस की वो सडनली एकदम से बूम कर गई थी, ठीक है। एंड एक्विजिशन वर्ड का मतलब क्या होता है, एक्विजिशन वर्ड का मतलब होता है कि एक एसेट होता है और ऑब्जेक्ट होता है विच इज़ ऑब्टेन्ड, ठीक है ना, लर्निंग ऑफ समथिंग और डेवलपिंग ऑफ अ स्किल हैबिट और क्वालिटी। तो इंडिया का मिलिट्री एक्विजिशन है, डाइवर्सिफाइंग मिलिट्री एक्विजिशन, इंडिया ने वहाँ से बहुत सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स लिए हुए हैं, एयरक्राफ्ट्स लिए हुए हैं, ठीक है, एंड अदर टेक्निकल सपोर्ट मिलता रहता है यूएस के साइड से। तो इंडिया का फुली जो डिपेंडेंस था ना नियर टोटल डिपेंडेंस पहले रशिया के साथ था, रशिया से हमारा मेजर ट्रेड मिलिट्री इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, एक्सपोर्ट तो इंडिया क्या ही करता था, इंपोर्ट ज़्यादा करता था, ठीक है ना। Sukhoi-30 हमारे पास वहाँ से है, मिग जो है हमारे वहाँ से है, MI के हेलीकॉप्टर जो है हमारे पास वहाँ से आए हुए हैं, रशिया से आए हुए हैं, अभी हम लोग S-400 के बारे में बात कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी रशिया के ऊपर एक डिपेंडेंस बना रही थी। तो इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने अपनी मिलिट्री डिपेंडेंस यूएस के साथ भी शेयर की है, स्पेशली वो जो सिविल न्यूक्लियर डील हुई थी उसके बाद से। चाइना वेंट बैक ऑन 2005 अग्रीमेंट, लॉन्च द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वर्कड टू अंडरमाइन चाइनाज इन्फ्लुएंस इन इट्स नेबरहुड एंड एक्सपेंडेड इट्स मिलिट्री एंड इकोनॉमिक प्रेजेंस इन द इंडियन ओशियन। 2005 में चाइना का कोई अग्रीमेंट रहा, ठीक है, चाइना ने फिर लॉन्च किया देखो CPEC, CPEC, ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। बेसिकली क्या है, इंडिया का इन्फ्लुएंस कम करने के लिए, ठीक है, अपने नेबरहुड के अंदर। अब चाइना की टक्कर में एक कंट्री है वो है इंडिया, लेकिन चाइना चाहता है कि पूरे के पूरे एशिया को डोमिनेट करे, इवन चाइना चाहता है पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करना। तो चाइना के लिए सबसे बड़ी टक्कर होते हैं US और इंडिया, और चाइना की दोनों के साथ थोड़ी सी बनती नहीं है, यूएस के साथ तो बिल्कुल भी नहीं बनती है, इंडिया के साथ फिर भी नेबर में है तो कुछ ना कुछ एक्सचेंज हो रहा होता है ट्रेड के रिगार्डिंग एंड सो मेनी अदर थिंग्स, बट प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं क्रिएट। इवन चाइना का तो हर एक कंट्री के साथ प्रॉब्लम है अगर आप नेबर कंट्रीज़ की बात करते हैं। तो चाइना ने पाकिस्तान के साथ अपना एक एग्रीमेंट किया, ठीक है, चाइना ने जो सिल्क रूट वाला जो था उसको दोबारा से, ठीक है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के नाम से उसको स्टार्ट करने की बात की। चाइना ने प्लान किया कि यूरोप को किसके साथ कैसे कनेक्ट करेंगे, बाकी मिडल ईस्ट कंट्रीज़ के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे। तो उसी प्रोजेक्ट के अंडर निकल के आता है CPEC, चाइना का पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जहाँ पर चाइना POK में से एक रूट बना रहा है पूरा का पूरा वहाँ पर अरेबियन ओशन की तरफ, ठीक है, अरेबियन सी की तरफ, ताकि चाइना बहुत इजीली वहाँ तक एक्सेस कर सके। अभी चाइना को क्या करता है, घूम के आना पड़ता है पूरा का पूरा साउथ चाइना सी से, फिर इंडियन ओशन से, वहाँ से घूम के जाना पड़ता है। तो चाइना ने पाकिस्तान से बात की कि हम आपको फंडिंग प्रोवाइड करते हैं और आप हमको यहाँ से रूट बनाने दीजिए, आपके साथ ट्रेड भी हो जाएगा, हमको वहाँ का बेनिफिट भी मिल जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, वहाँ पर इंडिया का इन्फ्लुएंस कम करना चाहता है चाइना पाकिस्तान का, चाइना को पता है कि इंडिया को सपोर्ट करता है तो वहाँ पर वो अपनी रिलेशंस मेंटेन कर रहा है। एज़ US रशिया रिलेशंस इम्प्लोडेड इन 2014। इम्प्लोडेड वर्ड का मतलब क्या होता है, इम्प्लोडेड वर्ड का मतलब था कोलैप्स हो जाना, ठीक है ना, वायलेंटली इनवर्ड्स कोलैप्स हो जाना। तो जब रशिया ने एनेक्स किया था ना क्रीमिया को, तो रशिया का जो पुशबैक था ना अगेंस्ट द US, उसके अंदर हुआ था कि तालिबान का कल्टिवेशन हुआ था अफगानिस्तान में और पाकिस्तान का सपोर्ट भी था इसके लिए। तो बेसिकली US और रशिया तो स्टार्टिंग से एक दूसरे के अगेंस्ट थे। यहाँ पर एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, आप लोगों को अगर पता हो तो अलास्का एक टाइम के अंदर रशिया का पार्ट हुआ करता था, ठीक है ना, और अलास्का को रशिया से US ने खरीद लिया था। रशिया ने उसको इसलिए बेच दिया था क्योंकि उस जगह के ऊपर उनको इतने रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे थे कि यार कुछ यहाँ पर रिसोर्सेज है नहीं और यहाँ पर सिर्फ ठंड ही ठंड है, ठीक है ना, क्योंकि वो नॉर्थ पोल के रीजन में पड़ता है, और US ने उसको वहाँ से ख़रीद लिया था। ऑलराइट, लेकिन इन कंट्रीज़ के रिलेशन दोनों के कंट्रीज़ के बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे थे। पैसिफिक ओशन की तरफ से अगर आप देखते हो और ऊपर आर्कटिक ओशन की तरफ से देखते हो, दोनों के बीच में हमेशा से तनाव बना रहा है। ऑलराइट, एंड
इसी बात को ध्यान रखते हुए तो यूएस हमेशा से अगेंस्ट चलता आ रहा है। अब ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है क्योंकि इंडिया रशिया को भी सपोर्ट कर सकता है और इंडिया यूएस को भी सपोर्ट कर सकता है, दोनों को ही। तो एक इंडिया एक ऐसा सेंटर पॉइंट बन जाता है हर एक इन मेजर पावर्स के लिए कि कौन इंडिया के ऊपर अपना ज़्यादा अच्छा इन्फ्लुएंस बना के रखेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ RIC फॉर इंडिया। अब RIC ग्रुपिंग की इंडिया के लिए इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, हम लोगों ने देखा प्रेजेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही थी। इस प्रॉब्लम के चलते हुए RIC ग्रुपिंग का वीक हो जाना बहुत जायज़ सी बात है, लेकिन फिर भी RIC की आज भी बहुत सिग्निफिकेंस है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। इंडिया इज़ इन द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ ड्रिवन बाय रशिया एंड चाइना एंड इंक्लूड्स 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप लोगों को बिल्कुल पता होगा, उसको ड्राइव करते हैं रशिया और चाइना, ठीक है, और उसमें 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं। ये सेंट्रल एशिया एक स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, ठीक है ना, बॉर्डरिंग आर टर्बुलेंट नेबरहुड, और एक स्लीवर ऑफ लैंड सेपरेट्स ताजिकिस्तान फ्रॉम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाकिस्तान मेंबरशिप ऑफ SCO एंड द पोटेंशियल एडमिशन ऑफ ईरान एंड अफगानिस्तान एज मेंबर स्टेट्स हाइटन द सिग्निफिकेंस ऑफ द SCO फॉर इंडिया। देखो, ताजिकिस्तान को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो POK का रीजन है ना, उससे एक स्लीवर ऑफ लैंड का मतलब छोटा सा पीस ऑफ लैंड है जो उसको सेपरेट करता है, तो नज़दीकी बहुत सारी है हमारे ताजिकिस्तान के साथ, ठीक है ना। फिर पाकिस्तान भी SCO का मेंबर है, ठीक है ना, और एक पोटेंशियल एडमिशन हुआ ईरान और अफगानिस्तान का मेंबर स्टेट्स का। इसके कारण SCO की सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया इन कंट्रीज़ के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस जमाना चाहे, उनसे बातचीत करना चाहे, कैसे उनसे डील करना है, उनके साथ कैसे रिलेशन मेंटेन करनी है थ्रू SCO, ये कर सकता है। What needs to be done? ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए कि वो रशिया चाइना की डायनेमिक्स को शेप दे इस रीजन के अंदर जिस भी एक्सटेंट तक पॉसिबल हो सकता है। जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने सिग्नल किया है कि वो इस तरह के किसी भी डायल्यूशन का बिल्कुल वेलकम करेंगे, स्पेशली रशिया चाइना की ड्यूओपोली का। देखो, रशिया और चाइना जो है ना पूरे के पूरे एशियन रीजन में अपने आप को डोमिनेंट बना के रखना चाहते हैं। ड्यूओपोली का मतलब होता है ड्यूओ की पावर उसके ऊपर इन्फ्लुएंस कर रही है। तो इस तरीके से इंडिया का उभर के आना ताकि उन दोनों की ड्यूओपोली ख़त्म हो जाए, ठीक है ना, उसके अंदर हर एक कंट्री सपोर्ट करती है इंडिया के हर एक स्टेप्स को, ठीक है ना। एक ऑनगोइंग इंडिया ईरान रशिया प्रोजेक्ट है, ठीक है, सी रोड लिंक का, फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया से लेकर ईरान के थ्रू अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, कोई भी अगर इफेक्टिव इंडियन प्रेजेंस मेंटेन कर रहे हैं हमको सेंट्रल एशिया के अंदर, इवन रशिया और चाइना के अलॉन्ग, तो इंडिया का ये वाला जो रूट बनने वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बेसिकली इसका रूट की अगर हम लेंथ की बात करते हैं तो ये तकरीबन 7200 किलोमीटर के आसपास का बनेगा। एक मल्टी मोड नेटवर्क है, शिप का, रेल का, रोड का, ठीक है, और फ्रेट को मूव करने के लिए, यानी कि लगेज वगैरह को मूव करने के लिए इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया हो गया, फिर अजरबैजान हो गया, रशिया, सेंट्रल एशिया, यूरोप, इन सब कंट्रीज़ के बीच में। जो डिफेंस और एनर्जी पिलर्स हैं ना इंडिया की पार्टनरशिप के रशिया के साथ, वो अभी भी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। मैंने आपको रिसेंटली बताया ना, इंडिया रशिया से S-400 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब S-400 इंडिया के पास आ जाने के बाद चाइना की हिम्मत नहीं होगी, वैसे ऑलरेडी चाइना के पास S-400 की बात हो चुकी है। अभी वहाँ से फिर से कुछ टेंशन क्रिएट हो गई है कि रशिया चाइना को S-400 डिलीवर करेगा नहीं करेगा, बिल्कुल रिसेंटली कुछ टेंशन वहाँ पर चल रही है। तो देखते हैं चाइना और रशिया उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि रशिया के अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज की, तो वो हमारी मटेरियल सिक्योरिटी को बहुत एनहेंस कर सकते हैं इंडिया की बात करते हैं तो, है ना। और इस सब की इंपॉर्टेंस अभी COVID-19 के टाइम पर देखने को भी मिली थी। विद चाइना टू वी हैव टू वर्क बायलेटरली एंड मल्टीलेटरली ऑन अ रेंज ऑफ इशूज इवन वाइल फर्मली प्रोटेक्टिंग आर इंटरेस्ट ऑन द बॉर्डर एंड टेक्नोलॉजी एंड द इकॉनमी। देखो, बेशक हमारा नेबर हो, लेकिन बेशक एग्रेसिव हो, लेकिन जब एक बहुत बड़ी कंट्री होती है तो कहीं ना कहीं वॉर के चांसेस बहुत रहते हैं। तो उस वॉर को अवॉइड करने के लिए दोनों ही कंट्रीज़ को मिलकर बायलेटरली, दो तरफा, और मल्टीलेटरली, बहुत सारे डायमेंशन के अंदर काम करना पड़ेगा। बायलेटरली का मतलब था कि दोनों कंट्रीज़ वन ऑन वन काम करें, मल्टीलेटरली का मतलब था कि दूसरे कंट्रीज़ के साथ मिलकर भी काम करें, दोनों के बीच में कोई और कंट्री भी आ जाए, रशिया आ गया, US आ गया, यूरोपियन कोई कंट्री आ गया, हर एक के साथ मिलकर काम करें, ठीक है। इसके कारण क्या होगी, हमारे बॉर्डर के जो प्रोटेक्शन है वो मेनटेन रहेगी, प्लस में टेक्नोलॉजिकली और इकोनॉमिकली हम एक दूसरे के ऊपर ईजिली फ्लो में एक डिपेंडेंसी भी मेनटेन कर सकते हैं और डोमिनेंस भी मेनटेन कर सकते हैं जब हमको ज़रूरत लगे। फिर बात करते हैं इंडो पैसिफिक रीजन की, ठीक है ना, वो एक ज्योग्राफिक स्पेस है, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए, इन विच अ कोऑपरेटिव ऑर्डर शुड प्रिवेंट द डोमिनेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल पावर। अगर हम बात करते हैं इंडो पैसिफिक रीजन की ना, तो इसको कभी कभी इंडो वेस्ट पैसिफिक या फिर इंडो पैसिफिक एशिया भी बोला जाता है, ठीक है। ये एक अर्थ के जो ओशन वाला जो कंप्राइजिंग एरिया है ना, ट्रॉपिकल वाटर्स का, इंडियन ओशन का, वो है। यहाँ पर वेस्टर्न और सेंट्रल पैसिफिक ओशन की भी बात की जाती है, ठीक है ना। और ये जो सीज़ हैं कनेक्ट करते हैं दो जनरल एरिया जो इंडोनेशिया के उसको, तो
इकोनॉमिकली और सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, ठीक है ना। और यहाँ पर किसी भी दूसरी कंट्री का डोमिनेंस ना हो, सबका अपना अपना एक हिस्सा हो, ठीक है, सब उसको यूज़ करें, क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रूट्स हैं, ये ट्रेड वगैरह को ध्यान में रखते हुए। देखो आज का जो वर्ल्ड है ना, ये इकोनॉमिकल वर्ल्ड है, ये प्रोग्रेसिव वर्ल्ड है, यहाँ पर ट्रेड जितना होता है ना उतनी ही ज़्यादा अच्छी रिलेशंस होती होंगी, ठीक है ना। एक समय था जब हम लोग सर्वाइवल वर्ल्ड के अंदर थे, अब हम लोग सर्वाइवल वर्ल्ड से बाहर निकल चुके हैं, हम एक प्रोग्रेसिव वर्ल्ड के अंदर है। आप लोग इन टर्म्स को यूज़ कर सकते हो अपने किसी आंसर राइटिंग के अंदर। सो नाउ वी हैव रीच टू द कंक्लूजन। देखो ये अपना टॉपिक अपने में बहुत बड़ा था, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था, तो मेरे को थोड़ा टाइम लगा इस टॉपिक को अंदर आज एक्सप्लेन करने में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था ये। करंट जो इंडिया चाइना का स्टैंड ऑफ हुआ था उसके कारण एक कुछ चीज़ें बहुत इंटेंसीफाई हो गई थी, ठीक है ना। जैसे कि अपने इंडिया को अपना फास्ट ट्रैक पार्टनरशिप करनी पड़ी यूएस के साथ, क्योंकि इंडिया ये देखो चाइना को पता है कि इंडिया को यूएस सपोर्ट करेगा, चाइना कोई भी अग्रेसिव स्टेप लेगा तो यूएस उसके अगेंस्ट ही जाएगा। इंडिया ने टिकटॉक को बैन किया, यूएस ने भी बात की वो भी टिकटॉक को बैन करेंगे, और यूएस का चाइना के साथ हमेशा एक टेंशन रहती है, समथिंग स्ट्रेन कीप्स ऑन हैपनिंग ओवर देयर। ऑलराइट, चाइना एंड यूएस का ट्रेड वॉर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। चाइना बीइंग ब्लेम्ड बाय द यूएस अगेंस्ट कोविड 19 स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड क्रिएटिंग अ पैंडेमिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये एक अनएक्सेप्शनल ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना, बट इज़ नॉट अ सिल्वर बुलेट, ठीक है। बट इज़ नॉट अ सिल्वर बुलेट का मतलब जानने की कोशिश करो। इसका सिंपल मीनिंग होता है कि एक सीमिंगली मैजिकल सॉल्यूशन किसी भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम का, ठीक है ना। लेकिन इस तरीके से जैसे इंडिया सडनली यूएस का सपोर्ट ले ले, ठीक है, पार्टनरशिप कर ले उसके साथ, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है ना, ये मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है। वो यही कहना चाह रहे हैं, पर दिस इज़ नॉट अ सिल्वर बुलेट। ऑलराइट, आप इस तरीके से अपनी नेशनल सिक्योरिटी को आउटसोर्स नहीं कर सकते हो। चाइना के साथ फाइट करें तो यू हैव टू बी स्ट्रांग फॉर योरसेल्फ। अभी हमारे पास रफाल आए हैं तो इंडिया को एक सपोर्ट मिल गया, चाइना का थोड़ा सा एक हल्का सा दबाव कम होता है कि ठीक है यार, इंडिया के पास अब एक अच्छे फाइटर जेट्स आ गए हैं, इंडिया इज़ अप्रोचिंग फॉर S-400, तो चाइना को यहाँ से आप डोमिनेट कर सकते हो। नॉट लाइक दिस कि हम यूएस के साथ अपनी रिलेशन अच्छे करेंगे, ठीक है ना, विल बी वेलकमिंग डोनाल्ड ट्रंप है, आवर प्राइम मिनिस्टर विल बी गोइंग देयर। दिस इज़ नॉट हाउ यू कैन कंट्रोल अनदर कंट्री विच इज़ बीइंग अग्रेसिव टुवर्ड्स यू, ठीक है। बट दीज आर वन ऑफ दोज स्टेप्स। ऑलराइट, इंडियाज क्वेस्ट फॉर ऑटोनॉमी ऑफ एक्शन इज बेस्ड ऑन इट्स ज्योग्राफिकल रियालिटीज, हिस्टोरिकल लीगेसीज एंड द ग्लोबल एम्बिशंस, नॉट ए रेजिडुअल कोल्ड वॉर माइंडसेट। देखो समझने की बात यह है, इंडिया को अगर अपने इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर या फिर एशिया के अंदर अपनी ऑटोनॉमी को मेंटेन करके रखना है, सो दैट इंडिया डजंट हैव अ डिपेंडेंस ऑन स्पेशली चाइना, या फिर कोई चाइना का इन्फ्लुएंस हमारी पॉलिसीज़ को चेंज ना करे, उसके लिए इंडिया को अपनी ज्योग्राफिकल रियलिटीज़ को ध्यान में रखना होगा। हमारी हिस्टोरिकल लीगेसीज़ क्या हैं, किस कंट्री के साथ हमारे रिलेशन थे, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर हमारे चाइना के साथ भी रिलेशन अच्छे थे, राइट, एंड कहीं ना कहीं कल्चर भी शेयर करते थे कभी हम, बहुत अगर पीछे हिस्ट्री में जाएँ तो कुछ कल्चर की शेयरिंग भी बहुत थी। उन सब अपने एम्बिशंस को ध्यान में रखते हुए ही काम करना है, नॉट लाइक अ रेजिडुअल कोल्ड वॉर माइंडसेट। बेसिकली कोल्ड वॉर के अंदर क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि इंडिया ने नॉन अलाइन मूवमेंट को सपोर्ट किया कि यार हम किसी का साथ नहीं देंगे। ऑलराइट, आप रशिया हो, आप यूएस हो, आप मेजर पावर फाइट कर रहे हो, एक दूसरे को डोमिनेट करना चाह रहे हो, कीप फाइटिंग, बट राइट नाउ ऐसा नहीं कर सकता इंडिया। और इंडिया को या तो अपना स्टैंड खुद लेना पड़ेगा। इंडिया जो हम मूवीज़ की बात करते हैं, यूरी मूवीज में जो वर्ड का यूज़ किया था, ये नया इंडिया है, ठीक है ना, ये चुप नहीं बैठेगा, ये घर में घुस के मारेगा। तो एज पर द नीड ऑफ द आवर द एक्शन हैज़ टू बी एग्जीक्यूटेड, उस चीज़ को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में इंडिया के लिए। RIC ग्रुपिंग क्या होती है, कब फाउंड की गई थी, WTO की एस्टेब्लिशमेंट और ऑब्जेक्टिव्स, यार ये ना मैं आपको नहीं बताऊंगा, पता नहीं व्हाई दे हैव पुट अप अनदर लॉन्ग टॉपिक इनटू दिस क्वेश्चन, दिस इज एक्चुअली वेरी लॉन्ग टॉपिक। WTO की एस्टेब्लिशमेंट और ऑब्जेक्टिव्स को जानना, इसको छोटे में पढ़ के मैं आपको बता दूंगा एक मिनट में, तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू। दिस वन पार्ट आई विल बी स्किपिंग। वट इज़ G20 ग्रुप, इसके बारे में बात कर लेते हैं। वट इज़ पैरिस एग्रीमेंट, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो ये जो तीन क्वेश्चन है ना, अपने आप में बहुत लंबे टॉपिक है, जितना मैंने अभी आपको ऊपर एक्सप्लेन किया था 15-20 मिनट के अंदर, इसलिए ये, लेकिन G20 फिर भी थोड़ा आइडिया दिया जा सकता है, पेरिस अग्रीमेंट का भी आइडिया दिया जा सकता है। WTO सबसे टफेस्ट, अगर आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हो ना, पूरी UPSC की प्रिपरेशन के अंदर WTO सबसे टफेस्ट होता है। जिसको WTO के बारे में बहुत कुछ समझ में आ गया ना, उसकी इकोनॉमी का पार्ट तो बहुत मेजर कवर हो ही जाता है। WTO इतना बड़ा है अपने आप में पढ़ने के लिए। तो ठीक है, हम लोग G20 और पेरिस अग्रीमेंट के ऊपर थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा पेरिस एग्रीमेंट के बारे में देख लेते हैं। देखो ये एक पैक्ट था, एक एग्रीमेंट था, ठीक है ना, जो यूनाइटेड नेशंस के फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC, ठीक है, इसका डीलिंग किस चीज़ के साथ है, जो भी ग्रीन हाउस का गैसेस का एमिशन हो रहा है ना, उस सबको मिटिगेट करने के लिए। मिटिगेट वर्ड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ की गंभीरता को कम करना, ठीक है ना, टू लोअर द इंटेंसिटी ऑफ समथिंग। ऑलराइट, फिर उसको कैसे अडेप्ट करना है, ठीक है, उसकी फाइनेंसिंग कहाँ से होगी, इसको साइन किया गया था 2016 के अंदर।
ठीक है, 196 स्टेट पार्टीज़ जो हैं जो कि उन्होंने इसको नेगोशिएट किया था, ठीक है। 21st कॉन्फ्रेंस हुई थी पार्टीज़ की, UNFCCC की, ले बॉर्गे पेरिस के पास एक फ्रांस में एक जगह है, ठीक है, वहाँ पर इसको अडॉप्ट किया गया था। फरवरी 2020 के मुताबिक UNFCCC के मेंबर्स ने, सभी UNFCCC के मेंबर्स ने इसको साइन कर लिया था एग्रीमेंट को। 189 कंट्रीज इसकी पार्टी बन चुकी हैं, और जो ओनली सिग्निफिकेंट एमिटर्स है ना, एमिटर मतलब जहां पर ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन अभी उस तरीके से हो रहा है, दे हैव नॉट एग्रीड टू रेटिफाई इट कम्प्लीटली, जो अभी तक पार्टीज़ नहीं बने हैं वो है ईरान एंड टर्की। ऑलराइट, पेरिस एग्रीमेंट के बारे में इतना जानना अभी के लिए काफ़ी रहेगा। देखो मैं G20 के बारे में आपको बोल रहा था ना, ये टॉपिक्स बहुत बड़े होते हैं। अब G20 में आपको मैं कैसे बताऊँ ये कितना बड़ा टॉपिक है, देखो इसको एक्सप्लेन करने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं आपको ऊपर ऊपर से हल्का सा लाइट लाइट में बता देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि जब पूरा टॉपिक आएगा तो वो आता रहता है, ऐसी दिक्कत नहीं है। G20 है क्या? एक इनफॉर्मल ग्रुप है, ठीक है, 19 कंट्रीज़ का और यूरोपियन यूनियन उसके साथ में, ठीक है। तो G20 में यूरोपियन यूनियन अपने आप में आ गया, मतलब और बहुत सारी आ गई, 20-25 कंट्रीज़ और आ गई। इसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ना वो हैं, मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF और वर्ल्ड बैंक की रिप्रेजेंटेटिव भी G20 का पार्ट है। G20 की जो मेंबरशिप है उसमें एक मिक्स होता है वर्ल्ड की लार्जेस्ट एडवांस्ड और इमर्जिंग इकोनॉमीज़ का, बहुत ध्यान देना G20 ग्रुप में क्या होता है, G7 में क्या होता है। ये रिप्रेजेंट करते हैं वर्ल्ड का 2/3 वर्ल्ड की पॉपुलेशन, 85% ग्लोबल GDP, ठीक है, 80% ग्लोबल इन्वेस्टमेंट और 75% ग्लोबल ट्रेड। आई थिंक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये मेंस की आंसर राइटिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओरिजिन की बात करते हो 1997-1998 के जो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, ठीक है ना, फिर 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह आए थे, उन सब के कारण यहाँ पे हुआ था। काम कैसे करता है, दो ट्रैक्स पे काम करता है ये, फाइनेंस ट्रैक हो गया, शेयर पर ट्रैक हो गया। G20 के मेंबर कंट्रीज़ के बारे में ज़रा देख लेते हैं, इसके नाम को याद करने की ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कुछ जो निमोनिक्स होते हैं जैसे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन। स्पेन एक परमानेंट नॉन मेंबर इन्वाइटी है, ठीक है ना, और जो लीडर समिट्स होते हैं उनको भी अटेंड करते हैं। देखो समिट और कॉन्फ्रेंस वर्ड में आपको डिफरेंस बताता रहता हूँ। कॉन्फ्रेंस के अंदर बेसिकली कोई भी रिप्रेजेंटेटिव जा सकता है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट समिट, देखो समिट वर्ड का मीनिंग ही अपने आप में पीक होता है, तो जो भी रिप्रेजेंटेटिव जाएगा वो जिस भी कंट्री का होगा वो पीक पे जाएगा, तो प्रेसिडेंट जाएंगे या फिर प्राइम मिनिस्टर जाएंगे, वाइस प्रेसिडेंट जाएंगे, इस तरीके से जाएंगे, ठीक है ना। अगर ये नहीं जा पा रहे हैं तब अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं, लेकिन समिट वर्ड का मतलब ये होता है कि जो टॉप लीडर होते हैं ना वो रिप्रेजेंट करेंगे कंट्री को। ऑलराइट, एक बार इसके मेंबर कंट्रीज़ के बारे में आपको थोड़ा सा शॉर्टकट दिखा देता हूँ, थोड़ा सा पेरिस एग्रीमेंट के बारे में देख लेते हैं। देखो ये एक पैक्ट था, एक एग्रीमेंट था, ठीक है ना, जो यूनाइटेड नेशंस के फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC, ठीक है, इसका डीलिंग किस चीज़ के साथ है, जो भी ग्रीन हाउस का गैसेस का एमिशन हो रहा है ना उस सबको मिटिगेट करने के लिए। मिटिगेट वर्ड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ की गंभीरता को कम करना, ठीक है ना, टू लोअर द इंटेंसिटी ऑफ समथिंग। ऑलराइट, फिर उसको कैसे अडेप्ट करना है, ठीक है, उसकी फाइनेंसिंग कहाँ से होगी, इसको साइन किया गया था 2016 के अंदर, ठीक है। 196 स्टेट पार्टीज़ जो हैं जो कि उन्होंने इसको नेगोशिएट किया था, ठीक है। 21st कॉन्फ्रेंस हुई थी पार्टीज़ की UNFCCC की, ले बॉर्गे पेरिस के पास एक फ्रांस में एक जगह है, ठीक है, वहाँ पर इसको अडॉप्ट किया गया था। फरवरी 2020 के मुताबिक UNFCCC के मेंबर्स ने, सभी UNFCCC के मेंबर्स ने इसको साइन कर लिया था एग्रीमेंट को। 189 कंट्रीज इसकी पार्टी बन चुकी हैं, और जो ओनली सिग्निफिकेंट एमिटर्स है ना, एमिटर मतलब जहां पर ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन अभी उस तरीके से हो रहा है, दे हैव नॉट एग्रीड टू रेटिफाई इट कम्प्लीटली, जो अभी तक पार्टीज़ नहीं बने हैं वो है ईरान एंड टर्की। ऑलराइट, पेरिस एग्रीमेंट के बारे में इतना जानना अभी के लिए काफ़ी रहेगा। देखो मैं G20 के बारे में आपको बोल रहा था ना, ये टॉपिक्स बहुत बड़े होते हैं। अब G20 में आपको मैं कैसे बताऊँ ये कितना बड़ा टॉपिक है, देखो इसको एक्सप्लेन करने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं आपको ऊपर ऊपर से हल्का सा लाइट लाइट में बता देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि जब पूरा टॉपिक आएगा तो वो आता रहता है, ऐसी दिक्कत नहीं है। G20 है क्या? एक इनफॉर्मल ग्रुप है, ठीक है, 19 कंट्रीज़ का और यूरोपियन यूनियन उसके साथ में, ठीक है। तो G20 में यूरोपियन यूनियन अपने आप में आ गया, मतलब और बहुत सारी आ गई, 20-25 कंट्रीज़ और आ गई। इसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ना वो हैं, मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF और वर्ल्ड बैंक की रिप्रेजेंटेटिव भी G20 का पार्ट है। G20 की जो मेंबरशिप है उसमें एक मिक्स होता है वर्ल्ड की लार्जेस्ट एडवांस्ड और इमर्जिंग इकोनॉमीज़ का, बहुत ध्यान देना G20 ग्रुप में क्या होता है, G7 में क्या होता है। ये रिप्रेजेंट करते हैं वर्ल्ड का 2/3 वर्ल्ड की पॉपुलेशन, 85% ग्लोबल GDP,
ठीक है, 80% ग्लोबल इन्वेस्टमेंट और 75% ग्लोबल ट्रेड। आई थिंक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये मेंस के आंसर राइटिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओरिजिन की बात करें तो 1997-1998 के जो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, ठीक है ना, फिर 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह आए थे, उन सब के कारण यहाँ पे हुआ था। काम कैसे करता है, दो ट्रैक्स पे काम करता है ये, फाइनेंस ट्रैक हो गया, शेरपा ट्रैक हो गया। G20 के मेंबर कंट्रीज़ के बारे में ज़रा देख लेते हैं, इसके नाम को याद करने की ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। कुछ जो निमोनिक्स होते हैं, जैसे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन। स्पेन एक परमानेंट नॉन मेंबर इन्वाइटी है, ठीक है ना, और जो लीडर समिट्स होते हैं उनको भी अटेंड करते हैं। देखो, समिट और कॉन्फ्रेंस वर्ड में आपको डिफरेंस बताता रहता हूँ। कॉन्फ्रेंस के अंदर बेसिकली कोई भी रिप्रेजेंटेटिव जा सकता है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट समिट, देखो समिट वर्ड का मीनिंग ही अपने आप में पीक होता है, तो जो भी रिप्रेजेंटेटिव जाएगा वो जिस भी कंट्री का होगा वो पीक पे जाएगा, तो प्रेजिडेंट जाएंगे या फिर प्राइम मिनिस्टर जाएंगे, वाइस प्रेजिडेंट जाएंगे, किस तरीके से जाएंगे, ठीक है ना। अगर ये नहीं जा पा रहे हैं तब अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं, लेकिन समिट वर्ड का मतलब ये होता है कि जो टॉप लीडर होते हैं ना वो रिप्रेजेंट करेंगे कंट्री को। ऑल राइट, एक बार इसके मेंबर कंट्रीज़ के बारे में आपको थोड़ा सा शॉर्टकट दिखा देता हूँ, यू कैन डेफिनेटली कॉल इट अ ट्रिक, ठीक है। G20 कंट्रीज़ के नाम याद रखने की, तो सेंटेंस कुछ इस तरीके से है, गुरुजी सीता अब SSC FCI में काम करती है, ठीक है। दोबारा सेंटेंस को याद करो, गुरुजी सीता अब SSC FCI में काम करती है। ये याद क्यों करना ज़रूरी है, पता है क्या होता है कि प्रीलिम्स के अंदर ना क्वेश्चन आ जाएगा कि क्या ये कंट्री कौन से ग्रुप का पार्ट है, चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपको फिर उसके बाद बताया जाएगा कि फर्स्ट और सेकंड का पार्ट है, थर्ड और फोर्थ का पार्ट है, वहाँ पर ये चीज़ें काम आ जाती हैंगी। और एक क्वेश्चन आपको दो नंबर दिला सकता है, दो नंबर आपका एग्ज़ाम में आपको पास भी करा सकते हैं और फेल भी करा सकते हैं। और आपने गलत अटेंड कर दिया तो आप सिर्फ 0.5 से बाउंड्री से इधर से उधर हो सकते हो, सिर्फ 0.5 के जो मार्क्स होते हैं वो आपको एक पूरे के पूरे 2 साल के एडिशनल टाइम पीरियड में डाल सकते हैं, ऑलराइट, साइकिल में डाल सकते हैं मैं कहूँगा। तो जी से जर्मनी, यू से USA, आर से रशिया, फिर यू से UK। अब ये आपको 2-4 बार लिखना पड़ेगा खुद पेन से अपने पेपर के ऊपर, फिर ही आपको याद हो जाएगा। जैसे सेंटेंस तो आपको याद हो ही गया, गुरुजी सीता आप SSC FCI में काम करती हैं। SSC आपको पता हो गया, शॉर्ट सर्विस कमीशन लगा लो या फिर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन लगा लो, FCI लगा लो, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सीता, गुरुजी, सब आपको पता ही है। कंट्रीज़ के नाम आपको रीड करने पड़ेंगे, एस से क्या लिखना चाहोगे, यू से, आई से, इंडोनेशिया वगैरह, एक बार आपको पता होना पड़ेगा। जैसे आई से 3 है इसके अंदर, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, तो तीनों कंट्रीज़ आ जाएंगे। यू से 2 आते हैं, USA, UK दोनों आ जाएंगे, एस से साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, इस तरीके से। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो इसका ले सकते हो बिल्कुल। नाउ वी हैव व्हाट आर प्री पैक्स अंडर द प्रेजेंट इंसॉल्वेंसी रिजीम, दिस टॉपिक इज कवर्ड अंडर GS पेपर 3 एंड अंडर द इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकॉनमी, चेंजेस इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। देखो, प्री पैक्स को जानने से पहले ना आपको ये जानना पड़ेगा कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड क्या होता है, ठीक है, IBC भी बोलते हैं इसको। ये पहले भी एक बार 8 जून 2020 को कवर किया जा चुका है, ठीक है, यहाँ पर उन्होंने लिंक भी दे चुका है और मैं इसको विजन की मंथली मैगजीन में भी कम कवर कर चुका हूँ। प्लस में जो विजन का ही हमारा 8 जून का इनसाइट का जो 8 जून का न्यूज़ आर्टिकल आया था उसमें भी मैं इसको कवर कर चुका हूँ, तो दोबारा से यहाँ पे मैं नहीं करूँगा। अगर आपको देखना है वहाँ पर तो आप उन वीडियोस को देख लो, प्लेलिस्ट में आपको 8 जून मिल जाएगा एंड विजन में भी मिल जाएगा। विजन में भी मत जाना, विजन में इन्होंने इसको इतना नहीं किया था, लेकिन ये दोबारा फ्यूचर में भी रिपीट होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप फर्स्ट टाइमर हो, बिल्कुल रिसेंट 1-2 महीने की प्रिपरेशन है आपकी, तो आप वो 8 जून वाला वीडियो ज़रूर देखो जाकर प्लेलिस्ट में, ठीक है। लेकिन अगर आप पुराने हो, आपने 1-2 बार इसको हल्का बहुत देख लिया, आपको आइडिया है, फिर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप ऐसे ही बार बार जब न्यूज़ आते रहेंगे, अपडेट्स आते रहेंगे, सुनते रहो, अपने आप ये समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। तो रिसेंटली इसमें क्या कुछ अपडेट आया, प्रीपैक्स क्या होते हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स MCA, उन्होंने एक कमेटी बनाई है ये देखने के लिए क्या पॉसिबिलिटी है कि क्या हम लोग जब प्री पैक को इंक्लूड करते हैं करंट इंसॉल्वेंसी रिजीम के अंदर, ध्यान रहे करंट की बात कर रहे हैं, करंट का जो इंसॉल्वेंसी रिजीम चल रहा है उसके अंदर इंक्लूड करते हैं, तो कैसे ये इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन के अंदर फास्ट में हेल्प करेगा, तो कि हमारा जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है उसके अंदर प्री पैक को इंस्टॉल करने से हमारे जो भी डिस्ट्रेस्ड कंपनीज हैं उनके ऊपर जो भी डेट वगैरह है, ठीक है ना, उस सर को सॉल्व करने में ये कैसे हेल्प करेगा। प्री पैक क्या होता है, इंसॉल्वेंसी है, यानी कि अब इंसॉल्वेंसी वर्ड के ऊपर इतना डीप में मत जाओ, सिंपल सी बात समझो, जो भी कंपनीज डिस्ट्रेस हो जाती हैं, ठीक है, जिनके ऊपर लोन वगैरह हो जाता है लेकिन वो रिपे नहीं कर पाती हैं, तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के मुताबिक उनका जो भी एसेट्स होते हैं, ठीक है, उन सबको सेल कर दिया जाता है एंड जो बैंक्स वगैरह होते हैं उस प्रॉपर्टी को सेल करके अपना जो लोन वगैरह का अमाउंट होता है वो वापस ले लेते हैं,
ठीक है, उसी चीज़ के अंदर एक प्री पैक्ड इंसॉल्वेंसी एक रेजोल्यूशन है जो भी डिस्ट्रेस कंपनी का डेट होता है, जो कर्ज होता है उसको ख़त्म करने के लिए कैसे किया जाता है। एक एग्रीमेंट होता है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के अंदर, ठीक है, जो लोन ऑफर करते हैं, प्लस में इन्वेस्टर्स का, किसके साथ, बैंक्स वगैरह के साथ, जिनके साथ भी होता है, लेकिन पब्लिक बिडिंग प्रोसेस नहीं होता। पब्लिक बिडिंग में क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा ना, कभी टीवी में देखने को मिलता होगा, नीलामी करते हो पब्लिकली, ठीक है, कोई अमाउंट रखी जाती है उसके ऊपर बिडिंग होती है, ऑक्शनिंग भी बोल सकते हो आप इसको, तो नीलामी होती है, जो जितनी अच्छी रकम लगाता है उसको फिर वो सेल कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि इसके अंदर ये पब्लिक बिडिंग नहीं होगी, एक डायरेक्ट एग्रीमेंट होगा, ठीक है, जो भी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होंगे और इन्वेस्टर्स होंगे उनके बीच में। ये जो प्रोसेस है इसकी एक कंडीशन ये है कि इसको 90 डेज़ के अंदर अंदर कंप्लीट करना है, ठीक है ना, तभी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं ना उन सबका सिस्टम के अंदर एक फेथ मेंटेन रहे कि भाई प्री पैक सॉल्यूशन अगर किया जा रहा है तो उसका ये एडवांटेज है कि 90 डेज़ के अंदर उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। तो बेनिफिट्स क्या होंगे, पहली बात तो ये फास्टर है, ठीक है ना, ये जो प्रोसेस है इसको कंप्लीट किया जाएगा बहुत फास्टर वे में। ट्रेडिशनल मेथड क्या था, ट्रेडिशनल था कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, ठीक है ना, जिसके अंदर क्या होता था कि जो क्रेडिटर्स होते थे ना और जो डिस्ट्रेस कंपनी होती थी उनको एक ओपन ऑक्शनिंग करने का मौका मिलता था। जो भी क्वालिफाइड इंटरेस्ट इन्वेस्टर्स होते थे वो बिडिंग करते थे उस डिस्ट्रेस्ड कंपनी के अगेंस्ट। मैं थोड़ा वर्ड्स में बहुत अटक रहा हूँ, रिसेंटली आई हैड फूड और इसलिए हो रहा है। तो ऑल्सो इट वुड एक्ट एज एन इम्पॉर्टेंट ऑल्टरनेटिव रेजोल्यूशन मैकेनिज्म टू द CIRP। अभी हर एक मैकेनिज्म का एक ऑल्टरनेटिव रेजोल्यूशन होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो CIRP का भी एक ऑल्टरनेटिव है। ऑल्टरनेटिव के बहुत सारे यूज़ होते हैं, पहली बात तो ऑल्टरनेटिव में कुछ ना कुछ बेनिफिशियल चीज़ें भी होती हैं आपकी। सेकेंड चीज़, अगर आपका जो ट्रेडिशनल मेथड है वो काम नहीं कर रहा होता तो एट टाइम्स आपको कोई ऑल्टरनेटिव मेथड होना चाहिए ताकि आपका प्रोसेस ना रुके बिल्कुल ही, ठीक है। फिर इसके कारण जो NCLT है, हमारा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, उसका थोड़ा बर्डन भी कम हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं प्री पैक्स की, जो इनकम्बेंट मैनेजमेंट रिटेन्स कंट्रोल ऑफ द कंपनी अंटिल फाइनल एग्रीमेंट इज रीच्ड। इनकम्बेंट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, करंटली जो ऑफिस होल्ड कर रही है जो मैनेजमेंट, जो रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए, ठीक है ना, उनका जो कंट्रोल है ना वो रिटेन रहेगा कंपनी के ऊपर जब तक वो फाइनल एग्रीमेंट ना हो। यानी कि 90 डेज तक अगर एग्रीमेंट पूरा फाइनल नहीं होता तो उस कंपनी का जो कि इनकम्बेंट मैनेजमेंट है उसी का कंट्रोल रहेगा उस डिस्ट्रेस्ड कंपनी के ऊपर। ये नेसेसरी क्यों है, ताकि जो ट्रांसफ़र हो सकता है ना कंट्रोल, वो एक इनकम्बेंट मैनेजमेंट से लेकर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल तक ईजिली किया जा सके। इन द केस ऑफ CIRP इट लीड्स टू डिस्ट्रप्शंस इन द बिजनेस एंड लॉस ऑफ सम हाई क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एसेट वैल्यू। CIRP के केस के अंदर जब ये ट्रांसफर किया जाता है कंट्रोल, तो उसके कारण बहुत सारा लॉस हो सकता है। HR का लॉस होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज का लॉस होता है। HR वर्ड से मेरे को सडनली एक अपडेट पता है कि आप लोगों को पता होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, हम लोग आने वाले नेक्स्ट जो ये जो न्यूज़ एक्सप्लेनेशन होते हैं उसमें डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ HRD ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का नाम चेंज करके उसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। आई थिंक ये एक बहुत ही वेलकमिंग स्टेप है गवर्नमेंट का। ऑल्सो जो फाइनेंशियली डिस्ट्रेस्ड कंपनी होती हैं वो कॉन्ट्रीब्यूट कर सकती हैं, ठीक, वो कंटिन्यू कर सकती हैं अपने ऑपरेशन को इस पीरियड के अंदर, ठीक है। ध्यान रहे, अगर फाइनेंशियल डिस्ट्रेस कंपनी है उसको अपना बिजनेस वगैरह चलाते रहना, वो चला सकते हैं इस पीरियड के अंदर, ठीक है, लीडिंग टू अ फॉर्मल डिफॉल्ट एंड इवन देयर आफ्टर विदाउट द रिजल्टेंट रेपुटेशनल रिस्क, बिजनेस डिस्ट्रप्शन और वैल्यू इरोजन। कुछ ड्रॉबैक्स भी होंगे प्री पैक के, जब आप एक शॉर्ट पीरियड की चीज़ को लेके आ रहे हो तो देखो ट्रांसपेरेंसी रिड्यूस हो जाती है। CIRP के अंदर क्या होता है कि फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जो है ना ओपनली पब्लिक बिडिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या डायरेक्ट एग्रीमेंट होता है बैठ के, ठीक है, कोई भी जो सेलेक्टेड सिक्योर क्रेडिटर्स होते हैं उनके अमंग, तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी कम हो जाती है। तो क्योंकि प्राइवेटली हो रहा होता है ना, एक ओपन बिडिंग प्रोसेस नहीं होता, इसके कारण क्या होता है कि जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो हिस्सेदार होते हैं, जैसे कि ऑपरेशन क्रेडिटर्स हो गए, वो अपना इशू रेज करते हैं कि उनका फेयर ट्रीटमेंट नहीं हुआ, ठीक है, और जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं एग्रीमेंट पर पहुँचते हैं वो एक डिस्ट्रेस कंपनी की लाइबिलिटीज़ को भी रिड्यूस कर देते हैं। अनलाइक इन द केस ऑफ फुल फ्लेज CIRP जहाँ पर एक प्राइस डिस्कवरी करना अलाउ होता है, इन द केस ऑफ प्री पैक जो NCLT होते हैं वो सिर्फ रिजोल्यूशन प्लान को इवेल्युएट कर पाएगी और जो किसके ऊपर बेस्ड होगा, जो भी सबमिशन करेंगे हमारे क्रेडिटर्स और इन्वेस्टर्स, तो यहाँ पर थोड़ा सा इनका इवेल्युएशन की लिमिट होती है वो भी कम हो जाती है। इसलिए ऊपर बोला गया था कि NCLT का जो बर्डन होगा ना वो भी कम हो जाएगा, यहाँ पर बोला गया था ना इस जगह पर कि NCLT का बर्डन कम हो जाएगा, क्योंकि उसका इवेल्युएशन प्रोसेस ही बहुत कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो क्या हम लोगों को ये प्री पैक्स की रिक्वायरमेंट है? हाँ जी हाँ बिल्कुल है, क्योंकि ये बहुत स्लो प्रोग्रेस है हमारा, जो करंटली CIRP है ना, ये रेजोल्यूशन का बहुत ही स्लो प्रोग्रेस है।
करंटली जो 2170 ऑनगोइंग इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेसेस है ना, उसमें से अभी तक सिर्फ 738 ही हो पाए हैं, ठीक है ना, और उनको 270 से ज़्यादा दिन लग चुके हैं एंड ऑफ मार्च तक, 2020 एंड ऑफ मार्च तक। IBC इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के मुताबिक जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको अपना CIRP कंप्लीट करना पड़ता है 330 दिन के अंदर, जिस दिन से भी वो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग स्टार्ट होती हैं। तो इसलिए थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस था। यहाँ पर ये लिंक है, अगर आपको वो पूरा पढ़ना, मैं तो कहूँगा वीडियो देख लेना, ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। यहाँ पर जो भी ये सारे टॉपिक्स में जितने भी नीचे के बने ना, ये कुछ तो या तो उस वीडियो में कवर हो चुके हैं या फिर यहाँ पर सारे कवर हो चुके हैं, मैंने देख लिए थे पहले ही। तो जो आपको नए नए टर्म्स दिखाए जा रहे हैं सेक्शन 7, 9, ये सब के सब प्रीवियस वाले में ऊपर जो लिंक है उसकी वीडियो में सब कुछ कवर कर चुका हूँ, वहाँ से देखना देख लीजिएगा, आपको ईजी हो जाएगा। Now we have high levels of ammonia in the Yamuna water. This topic is covered under conservation, environmental pollution and the degradation environmental impact assessment. High levels के ammonia, जो कि आप कह सकते हो 3 PPM, PPM word का मतलब जानो particles per million, ठीक है ना, ये recently detect किए गए हैं यमुना river के अंदर। क्यों? इसी के कारण जो दिल्ली का जल बोर्ड है उसने अपने water की production capacity को 25% तक reduce कर दिया है। तो कितने लेवल तक अमोनिया हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं वाटर के अंदर? जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है उन्होंने कहा है कि ड्रिंकिंग वाटर के अंदर जो मैक्सिमम लिमिट है अमोनिया की वो है 0.5 पार्टिकल्स पर मिलियन। अमोनिया क्या होता है, इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? देखो, अमोनिया एक कलरलेस गैस होती है, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल केमिकल की तरह इसको यूज़ किया जाता है, फर्टिलाइज़र प्रोड्यूस करते हैं जो कि खेतों में यूज़ करते हैं, वी मेक प्लास्टिक्स, वी मेक सिंथेटिक फाइबर्स, डाइज यानी कलरिंग वगैरह के लिए होता है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स के अंदर अमोनिया यूज़ किया जाता है। इसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन होते हैं, एक्वस फॉर्म के अंदर होते हैं, ठीक है ना, और इसको बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ऑलराइट, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक पंजेंट स्मेल होती है। अब पंजेंट स्मेल का मतलब क्या होगा? पंजेंट का होता है बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल, ठीक है। कहाँ कहाँ मिलता है? बेसिकली नेचुरली अकर करता है, ठीक है ना, जब भी कोई ऑर्गेनिक वेस्ट मैटर का ब्रेकडाउन होता है वहाँ से ये गैस, ये अमोनिया जो है रिलीज होती है। एयर से भी ज़्यादा लाइट होती है, ठीक है, ये जो एग्जांपल यहाँ पर दिखे हैं सब वही हैं। कंटेमिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो, सो इट मे फाइंड इट्स वे टू द ग्राउंड एंड सरफेस वाटर, ठीक है ना, सरफेस वाटर के अंदर भी परकुलेट कर जाएगी, ग्राउंड वाटर में भी परकुलेट कर जाती है। कैसे? इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, इंडस्ट्री से जो वेस्ट वगैरह निकल रहा होता है ना उसके साथ मिलकर ये पानी में जाती है, वहाँ से अंडरग्राउंड वाटर में जाती है, एंड जो भी नियर बाय वाटर रिसोर्स होता है ना उसके अंदर ये मिक्स हो जाता है, और जो कंटेमिनेशन होता है ना सीवेज के द्वारा वहाँ से भी। जो कंसंट्रेशन है अमोनिया की वाटर के अंदर अगर 1 PPM से अबव हो जाती है तो वो फिश मछलियों के लिए भी बहुत टॉक्सिक हो जाता है। ह्यूमन बींग्स के अंदर जो लॉन्ग टर्म का, अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म था आपकी बॉडी के अंदर इसका वाटर का इंजेक्शन हो, जिस वाटर के अंदर अमोनिया का जो लेवल होता है वो हाई होता है, तो आपके इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो था यमुना के अंदर ही अमोनिया एकदम से इतना कैसे बढ़ गया? देखो, वहाँ पर आसपास के जो सोर्सेज है, जैसे कि कुछ डाई यूनिट्स भी हैं, उनके एफ्लुएंट्स, उनका जो वेस्ट था वो डिस्टिलरीज हैं, ठीक है ना, कुछ फैक्ट्रीज हैं पानीपत, सोनीपत के, जो हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट से, वहाँ से माना जा रहा है, और कुछ सीवेज भी हैं, ठीक है ना, जो कि आसपास की अनसीवर्ड कॉलोनीज हैं, वहाँ से कुछ वाटर का जो स्ट्रेच है रिवर के जो स्ट्रेच के आसपास जो कॉलोनीज हैं ना, वहाँ पर भी अनसीवर्ड कॉलोनीज हैं, बेसिकली वहाँ पर सीवेज सिस्टम नहीं है इतना स्ट्रॉन्ग, तो वो पानी जो सारा का सारा नदी में ही आता है, वहाँ से कुछ देखने को मिला है कि अमोनिया का जो कंटेंट है वहाँ से ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आया। तो इसको कैसे ट्रीट किया जाए? अब कुछ स्ट्रिंजेंट इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए गाइडलाइंस का, ठीक है ना, किस तरीके से हमने हार्मफुल वेस्ट को डंप करेंगे रिवर के अंदर, ठीक है, और हमको ये भी श्योर करना होगा कि जो भी अनट्रीटेड सीवेज है वो डायरेक्टली रिवर के अंदर ना जाए, ठीक है, पहले उसको ट्रीट किया जाए, उसमें से हार्मफुल केमिकल्स को रिमूव किया जाए, एंड जो नॉर्मल वेस्ट होता है सिर्फ वही अगर आपको डंप करना है रिवर में वो डंप किया जाए। मेंटेन अ सस्टेनेबल मिनिमम फ्लो, जिसको बोलते हैं इकोलॉजिकल फ्लो, तो ये एक मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर होता है जिसको रिवर्स के थ्रू फ्लो करने का अलाउ करना चाहिए, ठीक है, ताकि जो एस्चुरीन इकोसिस्टम है, ह्यूमन लाइवलीहुड्स हैं, वो सब अपने आप सेल्फ रेगुलेट होते रहें और मेंटेन रहें। तो इस पूरे प्रोसेस में चैलेंजेस भी बहुत होंगे। सबसे बड़ा चैलेंज है कि दिल्ली जो है वो हरियाणा के ऊपर अपने 70% वाटर नीड्स के लिए डिपेंडेंट है, और हरियाणा के अंदर बहुत सारे लार्ज अमाउंट के अंदर लोग जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, तो यहाँ पर दे है वाटर पॉसिटी इश्यूज़ ऑफ इट्स ओन, यानी कि हरियाणा के अंदर खुद ही बहुत इनसफिशिएंट क्वांटिटी के अंदर वाटर अवेलेबल है, तो ये हरियाणा के अपने खुद के इश्यूज़ हैं वाटर के। दोनों ने एग्री किया है कि वो 10 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड का जो वाटर लिमिट है फ्लो यमुना के अंदर हर टाइम वो मेंटेन करेंगे। देखो, क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, आपको पता है ये मेंस में आ सकता है, सॉरी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, ये CUMES के मतलब क्या होता है,
हाँ जी, एक बार सवाल आया था कि एक बैरल के अंदर कितनी कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो ये इस तरह के सवाल आ सकते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। जो स्टेट्स हैं वो उन्होंने अप्रोच किया था कोर्ट को सेवरल टाइम्स पिछले पास डेकेड के अंदर, डेकेड का मतलब समझते हो पिछले पास 10 सालों के अंदर, और उन्होंने बात की थी कि किस तरीके से उनको अपना इक्विटेबल शेयर ऑफ वाटर मिलेगा। एक लैक है मिनिमम इकोलॉजिकल फ्लो का, ठीक है, जिसके कारण बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स का एक्यूमुलेशन होता है, एक्यूमुलेशन का मतलब इकट्ठे हो जाते हैं। जब वाटर को रिवर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है ना ट्रीटमेंट के लिए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, तो जो मोस्टली अनट्रीटेड सीवेज होता है ना वो फ्लो करता है ना, रिफ्यूज फ्रॉम दी होम्स, रन ऑफ फ्रॉम स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स एंड एफ्लुएंट्स फ्रॉम अनरेगुलेटेड इंडस्ट्री। मतलब कि जब वाटर को ट्रीट किया जा रहा होता है तो उसको ट्रीटमेंट में पता चलता है कि उसके अंदर जो भी पॉल्यूटेंट्स मिले थे ना वो सारे के सारी वही चीज़ें थी जो हमारे घरों से ही निकल के गई थी, हमारी इंडस्ट्रीज से ही जो एफ्लुएंट्स गए थे। तो बेसिकली उनका ट्रीटमेंट प्रॉपरली नहीं किया गया था। फिर फर्दर जब लास्ट स्टेज के ऊपर वाटर रिवर से निकालने के बाद ट्रीट किया जा रहा था तब पता चलता है। अगर फर्स्ट स्टेज के ऊपर ट्रीटमेंट कर दिया जाएगा तो वो रिवर के अंदर और रिवर को भी नुकसान नहीं करेगा, एंड उसके बाद जब उसकी ड्रिंकिंग वाटर के लिए क्लिनसिंग करनी होती है, फिल्ट्रेशन डिस्टिलेशन, वो प्रोसेस भी ईजी हो जाएगा। इंस्टा फैक्ट्स देख लेते हैं ज़रा हम अपने। रिवर यमुना ये बहुत मेजर ट्रिब्यूटरी है गंगा की, ठीक है, ये यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट करती है। बंदर पूंछ पीक है, ठीक है, मसूरी रेंज के पास लोअर हिमालयाज में, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट जो उत्तराखंड का है वहाँ पर, और ये संगम में जो कि प्रयागराज में है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर ही गंगा से मिलती है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली से बहते हुए। इसकी ट्रिब्यूटरीज के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है, प्रीलिम्स के अंदर। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। रिवर यमुना का फ्लो हो गया, ट्रिब्यूटरीज हो गया, अमोनिया प्रोड्यूस्ड हो गया, एप्लीकेशंस हो गया, एक्सेप्टेबल लिमिट हो गया। नाउ वी हैव ग्रीन एजी प्रोजेक्ट। ऑलराइट, कंटेक्स्ट क्या है इसका? यूनियन दिस इज कवर अंडर एक्सेप्टेबल मैक्सिमम लिमिट। अरे ये क्या लिख दिया उन्होंने, ये थोड़ा गलत टाइप हो गया यहाँ पर, कोई बात नहीं। यूनियन गवर्नमेंट ने जुलाई 28, 2020 को एक ग्रीन एजी प्रोजेक्ट लॉन्च किया मिजोरम के अंदर, ताकि एग्रीकल्चर से जो भी एमिशन्स हो सकते हैं ना उन सबको रिड्यूस करें और जो भी हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है ना उनको सस्टेनेबली इंश्योर करें। मिजोरम उन 5 स्टेट्स में से हैं जहाँ इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया जाएगा। देखो ये एक पायलट प्रोजेक्ट है, बेसिकली टेस्ट बेसिस प्रोजेक्ट है, ठीक है, 2026 तक ही चलेगा। इसके अलावा ये चलेगा उत्तराखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर। प्रोजेक्ट के बारे में अगर बात करें तो ये इसको फंड करेगा ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, जो कि बल्कि जो एंड जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर है ना वो इसको नेशनली एग्जीक्यूट करेगा, तो वो इसकी नेशनल एग्जीक्यूटिंग एजेंसी हो गई है। फंडिंग का पता होना चाहिए कहाँ से फंडिंग हो रही है, प्रीलिम्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानना। इम्प्लीमेंटेशन के अलावा इसके बाकी की प्लेयर्स कौन कौन है, जैसे कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट हो गया, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हो गया, ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर बायोडायवर्सिटी को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करेंगे, सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर की क्या क्या प्रैक्टिसेज हैं, इन सब के ऊपर काम किया जाएगा। सभी स्टेट्स के अंदर इस ये जो प्रोजेक्ट है ना इज सपोज टू एंड ऑन मार्च 31, 2026 इन 5 स्टेट्स के अंदर। इसका एम ए की 35 विलेजेस कवर करेगा, ठीक है ना, जिसमें 2 प्रोटेक्टेड एरियाज भी हैं, डैम्पा टाइगर रिजर्व और थोरांगलैंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन दोनों को भी इंक्लूड किया गया है साथ में। टारगेट क्या है? मल्टीपल ग्लोबल एनवायरनमेंट बेनिफिट्स हैं, ठीक है ना, एटलीस्ट 1.8 मिलियन हेक्टेयर लैंड के 5 लैंडस्केप्स के अंदर, इसके अंदर कुछ मिक्स लैंड यूज सिस्टम्स होंगे, इन सबको अचीव करना है। 104,070 हेक्टेयर फार्म्स जो हैं उनको सस्टेनेबल लैंड और वाटर मैनेजमेंट के अंडर लेके आना है। हमें ये भी इंश्योर करना है कि 49 मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड के इक्विवेलेंट जो सिक्वेस्टर्ड है ना, और बेसिकली इतने कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन्स हो रहा हो ना, इन सबको रिड्यूस करना है, सबको आइसोलेट करना है, गायब करना है, ठीक है ना, ताकि एंड जिसके थ्रू सस्टेनेबल लैंड का यूज़ भी किया जा सके, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को और बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए एंड एट्सेट्रा। ग्रीन एजी प्रोजेक्ट इज इम्प्लीमेंटेड इन विच स्टेट्स, इसके टारगेट्स क्या हैं, FAO के बारे में देख लेते हैं, GEF के बारे में देख लेते हैं, ये हमारे लिए थोड़े काम के टॉपिक्स हैं।
फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस FAO एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, ठीक है ना, जिसका इंटरनेशनल एफर्ट है किस तरीके से पूरे वर्ल्ड के अंदर हंगर को डिफीट किया जाए और फूड सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए न्यूट्रिशन को कैसे इंप्रूव किया जाए। देखो ये बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ मैं, ऐसे आता रहता है तो जो लोग रेगुलरली सुनते रहते हैं उनको आइडिया लग जाता है, अच्छा FAO का मतलब ये वाली ऑर्गेनाइजेशन है, किसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, UN की है, ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसकी पेरेंट एजेंसी कौन है, इतना इतना बार बार सुन सुन के बहुत कुछ याद हो जाता है, तो रेगुलरली फॉलो कर लिया करो, ठीक है, बहुत फ़ायदा मिलेगा। 1945 में एस्टेब्लिश हुई थी रोम जो कि इटली में, वहाँ पर FAO के हेडक्वार्टर्स हैं। 197 मेंबर स्टेट्स हैं इसके, ठीक है, हेड कौन है इसके, डायरेक्टर जनरल क्यू डोंगयू, ठीक है, ये चाइना के रहने वाले हैं और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसी तरीके से देख लेते हैं ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी को। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी को भी सेटअप किया गया था जब 1992 का रियो अर्थ समिट हुआ था। 1992 रियो अर्थ समिट एनवायरनमेंट को लेकर बहुत बड़ा एक समिट हुआ था, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसमें से निकल के आई थी। यू मस्ट नो एवरी सिंगल थिंग दैट हैपन्ड ओवर देयर, मीन्स के किसी भी आंसर के अंदर देखो इतने तो क्वेश्चन भी नहीं आएंगे, जितने आएंगे ना उसमें भी आप बहुत कुछ लिख सकते हो 1992 के रियो अर्थ समिट में। प्लस में प्रीलिम्स का कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का मिलेगा आपको इस समिट के आसपास से, किस तरीके से हम अपने प्लेनेट के अंदर जो भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं उन सबको टैकल कर सकते हैं, ठीक है। ये 183 कंट्रीज़ की पार्टनरशिप के अंदर है, ठीक है, उसमें प्लस में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, कुछ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस भी जिसको CSO बोलते हैं एंड कुछ प्राइवेट सेक्टर भी हैं, ठीक है। 1992 से लेकर GEF ने अभी तक 20.5 बिलियन US डॉलर का सपोर्ट दिया है, ग्रांट्स दिया है, ठीक ना, और एडिशनली 112 बिलियन यूएस डॉलर का कोफाइनेंसिंग की है कुछ अराउंड 4800 प्रोजेक्ट्स के अंदर और 170 कंट्रीज़ के अंदर, ठीक है। ये जो कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर अगर हम बात करते हैं इसके फोकस जो है तो वो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट ही था, ठीक है। इसके ये जैसे CBD हो गया हमारा कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वहाँ पर फाइनेंशियल मैकेनिज्म में सपोर्ट करना GEF का काम है। UNFCCC हो गया, UNCCD हो गया, POPS हो गया, ठीक है, मिनामाटा कन्वेंशन हो गया मरकरी के ऊपर, इन सब के अंदर की पीपल की अगर हम बात करें तो नाओको इशी इसके CEO और चेयरपर्सन है। तो इतना भी आप सुनते रहोगे ना तो आपको धीरे धीरे करके ये चीज़ें बार बार सुनने को मिलती है, तो आपको ये ऐसे याद हो जाती हैं, रिवाइज हो जाती हैं। Now we have Global Tiger Day and this topic is covered under conservation related issues. 29 जुलाई को ग्लोबल टाइगर डे सेलिब्रेट किया गया था और इसको क्रिएट किया गया था 2010 के अंदर सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट के अंदर। इस ओकेजन के ऊपर जो यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री उन्होंने एक अपडेटेड रिपोर्ट दी, ध्यान रहे ये एक अपडेटेड रिपोर्ट है इंडिया का जो टाइगर सर्वे है 2018 से। इस रिपोर्ट के हाईलाइट्स हम देख लेते हैं। कंट्री में जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो है 2,967, ठीक है, और ये लास्ट ईयर का जो एस्टीमेट था उससे अभी तक अनचेंज्ड है, यानी कि लास्ट ईयर के एस्टीमेट में भी यही थी। पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो 70% जो टाइगर वर्ल्ड के वो इंडिया में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में हाईएस्ट हैं 526, उसके बाद कर्नाटका में 524 और फिर उत्तराखंड में 442। छत्तीसगढ़ और मिजोरम के अंदर टाइगर की पॉपुलेशन में एक डिक्लाइन देखने को मिला था, लेकिन बाकी जितने भी स्टेट्स थे वहाँ पर एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था। जो पेंच टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश के अंदर वहाँ पर हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स प्रेजेंट, ठीक है, और जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु में उन्होंने मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट शो किया, यानी कि रेट ऑफ इंक्रीमेंट जो है वहाँ पर मैक्सिमम था 2014 से लेकर अभी तक। अगर हम बात करें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की तो जो फोर्थ साइकिल था ना ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018 का सर्वे, वो रिसेंटली एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में एंटर कर गया था क्योंकि वहाँ पर लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे किया गया था, कैमरा ट्रैप का लार्जेस्ट अमाउंट में यूज़ किया गया था। कैमरा ट्रैप्स प्लेस किए गए थे 26,838 लोकेशन 26,838 लोकेशंस पर 141 डिफरेंट साइट्स में एंड सर्वे को एक इफेक्टिव एरिया में एग्जीक्यूट किया गया था विच वाज 121,337 स्क्वायर किलोमीटर्स। सो इसलिए इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सेटअप किया गया था। व्हाट इज़ ऑल इंडिया टाइगर एस्टीमेशन? ऑल इंडिया टाइगर एस्टीमेशन को क्वाड्री एनुअली किया जाता है, यानी कि हर चार साल में एक बार किया जाता है। देखिए कुछ लोग इसको एक साल में चार बार भी समझ सकते हैं, लेकिन क्वाड्री एनुअली वर्ड का मतलब ये होता है चार साल में एक बार। देखो ये वर्ड भी प्रीलिम्स में आपको एक ऑप्शन मिल सकता है क्वाड्री एनुअली करके जो आपको कन्फ्यूज कर देगा। और इसको स्टीयरिंग कौन देता है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी करती है, प्लस में उसको टेक्निकल सपोर्ट मिलता है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से, और इंप्लीमेंट कौन करता है? स्टेट के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स होते हैं प्लस में उसके पार्टनर्स जो कि NGOs वगैरह होते हैं। कंजर्वेशन एफर्ट की बात करें तो नेशनल लेवल के ऊपर और ग्लोबल लेवल के ऊपर क्या क्या एफर्ट्स किए जा रहे हैं टाइगर्स को कंजर्व करने के लिए। जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है उन्होंने लॉन्च किया था M-STRIPES, यानी कि मॉनिटरिंग सिस्टम है टाइगर्स का उनकी इंटेंसिव प्रोटेक्शन के लिए और इकोलॉजिकल स्टेटस के लिए। एक मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम है जिसको फॉरेस्ट के गार्ड्स यूज़ करते हैं।
जो पीटर्सबर्ग का टाइगर समिट हुआ था ना 2010 के अंदर, वहाँ पर 13 टाइगर रेंज कंट्रीज, यानी कि वो कंट्रीज जहाँ पर टाइगर की जो काउंट है वो सबसे ज़्यादा है, उन्होंने एक कुछ एफर्ट्स की बात की थी किस तरीके से वो अपनी कंट्रीज़ के अंदर टाइगर्स का जो काउंट है उसको डबल करेंगे। और इसके लिए एक बहुत पॉपुलर स्लोगन भी निकल के आया था, TX2, यानी कि टाइगर इंटू 2, उसका मल्टीप्लीकेशन। तो ये आपको पता होना चाहिए किसके लिए था, कहाँ पर हुआ था एंड एवरीथिंग। ये मैं पहले भी एक बार डिस्कस कर चुका हूँ, ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव जो प्रोग्राम है ये वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम है, ठीक है ना। ये अपनी एबिलिटी को यूज़ करता है ग्लोबल पार्टनर्स को एक साथ लाने में, ताकि जो भी टाइगर एजेंडा है उसको स्ट्रेंथन किया जा सके। देन वी हैव ओवर द ईयर्स जो इनिशिएटिव्स थे वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो गए थे अपने आप के अंदर एक सेपरेट एंटिटी के अंदर, और उसकी फॉर्म बनी थी, फिर हमारे पास बना था ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव काउंसिल। इसके दो आर्म्स हैं, ग्लोबल टाइगर फोरम और ग्लोबल स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम। फिर हमारे पास प्रोजेक्ट टाइगर भी है, ये 1973 में लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। और इसके कारण बहुत 50 रिजर्व्स ज़्यादा हमारे पास ग्रो कर गए हैं, ऑलमोस्ट 2.2% जो कंट्री का ज्योग्राफिकल एरिया है वहाँ पर। इंस्टाफैक्ट के बारे में देख लेते हैं, कितने तरह के टाइगर के डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ होते हैं। टाइगर के बहुत सारे डिफरेंट स्पीशीज़ होते हैं, जैसे कि साइबेरियन टाइगर, बंगाल टाइगर, इंडो चाइनीज़ टाइगर, मलयन टाइगर, साउथ चाइना। बंगाल टाइगर जो है वो इंडिया में प्राइमरीली फाउंड किया जाता है, और कुछ स्मॉलर पॉपुलेशंस में बंगाल टाइगर जो है बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार में भी मिलता है। वर्ल्ड के अंदर ये मोस्ट न्यूमरस हैं, और अभी करंटली देखा जाए तो 2500 ही बच्चे हैं वर्ल्ड के अंदर। ये पूरा का पूरा वही है हाउ टाइगर्स वर काउंटेड को थोड़ा सा देख लेते हैं। 3.81 लाख स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट सर्वे किया गया था, ठीक है ना, टाइगर साइंस को और प्रे एस्टिमेशन को। 5.22 लाख किलोमीटर के फुट सर्वे थे, 3.17 लाख का हैबिटेट प्लॉट्स जो थे वो सैंपल किए गए थे वेजिटेशन और प्रे के लिए। 26,838 कैमरा ट्रैप्स लोकेटेड किए गए थे 141 साइट्स के ऊपर। प्रीलिम लिंक्स के अंदर हमारे लिए जो मेजर यहाँ पर क्वेश्चन है वो है डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स। ये मैं पहले भी करा चुका हूँ बट फिर दोबारा करेंगे इसको आज। GTIC क्या होता है, NTCA की कंपोजिशन क्या होती है, बाकी सारे के सारे इसी टॉपिक में ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। NTCA के बारे में देख लेते हैं, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में, और ये 2005 में एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है ना। एंड ये है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंडर, ठीक है। कुछ 50 टाइगर रिजर्व्स हैं इंडिया के अंदर जिनको गवर्न किया जाता है प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर, और एडमिनिस्टर करता है उसको NTCA। इंडिया के अंदर 70% वर्ल्ड की टाइगर पॉपुलेशन हम देख चुके हैं। स्ट्रक्चर और ऑब्जेक्टिव हमसे पूछा गया था प्रीलिम्स लिंक के अंदर, वो देखते हैं। चेयरमैन जो है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के, वो मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट हैं, वही होते हैं, ठीक है ना। अथॉरिटी के पास 8 एक्सपर्ट्स या फिर प्रोफेशनल्स होते हैं जिनका एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन जो है वो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में होता है या फिर ट्राइबल पीपल वेलफेयर के अंदर। 3 मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, ठीक है ना, जिसमें से 2 को इलेक्ट किया जाता है लोकसभा के अंदर, और 1 जो होता है वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स के द्वारा। इंचार्ज जो होते हैं प्रोजेक्ट के, ठीक है ना, वो इंस्पेक्टर जनरल होते हैं फॉरेस्ट के, हु इज़ ऑल्सो एन एक्स ऑफिशियो ऑफ मेंबर सेक्रेटरी। स्टेट लेवल की कमेटी सेटअप की जाती हैं, ठीक है ना, जहाँ पर जिन स्टेट्स के अंदर टाइगर्स वगैरह होते हैं उसकी जो चेयरमैनशिप होती है वो उनके रेस्पेक्टिव चीफ मिनिस्टर्स करते हैं। और जो टाइगर टास्क फोर्स के द्वारा जो रिकमेंडेड है, जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया था प्राइम मिनिस्टर ने, और दिस हैज़ बिन डन विद अ व्यू फॉर इंश्योरिंग कोऑर्डिनेशन, मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर इन द स्टेट्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं एक बार, कुछ गाइडलाइंस और कुछ स्टैंडर्ड्स बताते हैं किस तरीके से टाइगर को कंजर्व करना है उन रिजर्व्स के अंदर, अपार्ट फ्रॉम सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होते हैं, नेशनल पार्क्स क्या होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं, ये मैं आपको अभी बताऊंगा इस टॉपिक के जस्ट बाद में। फिर प्लस में किस तरह के प्रोटेक्शन मेजर्स लेने हैं, उसके ऊपर क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है, जिसमें टाइगर का एस्टिमेट कितना होना चाहिए, फ्यूचर में कैसे कंजर्व करने के प्लान्स होंगे, मॉर्टैलिटी का सर्वे, कितने टाइगर्स की डेथ हो रही है, क्या क्या रीजंस उनके डेथ के, ठीक है। डिजीज़ तो कोई स्प्रेड नहीं हो रही, डिजीज़ सर्वे लेने, जैसे आपको पता है रिसेंटली COVID-19 के से भी इन्फेक्टेड एक टाइगर मिला था, ठीक है। और पेट्रोलिंग करना यहाँ पर, यानी कि पेट्रोलिंग का मतलब जो फॉरेस्ट गार्ड्स वगैरह होते हैं उनका वहाँ पर निगरानी रखना, ठीक है ना। कीपिंग आई ऑन दी पोचिंग एक्टिविटीज़, मतलब शिकार वगैरह के लिए कोई एक्टिविटी होनी, कोई शिकारी तो नहीं आ रहे वहाँ पर, उन पर ध्यान रखना। सपोर्ट एंड फैसिलिटेट एनी काइंड ऑफ सजेशन एंड मैनेजमेंट इन द स्टेट्स थ्रू इको डेवलपमेंट एंड जनरेटिंग अवेयरनेस ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन। अवेयरनेस प्रोवाइड करना, अवेयरनेस कैंपेन चलाना, ठीक है, सपोर्ट करना, ठीक है, कोई भी सजेशन हो मैनेजमेंट हो उन सब पे काम करना, एनुअल रिपोर्ट्स प्रिपेयर करना, ठीक है, जिसको पार्लियामेंट में सबमिट करना होगा। प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था 1973 के अंदर, ये सब तो आप पढ़ ही चुके हो। ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव काउंसिल, ये वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पर ही है, ठीक है। तो हिस्ट्री देख लेते हैं GTIA के बारे में, ये 2008 में लॉन्च किया गया था। एक ग्लोबल अलायंस है, मतलब कि गवर्नमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी कंजर्वेशन और साइंटिफिक कम्युनिटीज़ होती हैं, प्राइवेट सेक्टर होता है, इन सब आपस में, इन सब का मेन जो एम होता है वो होता है कि किस तरीके से वाइल्ड टाइगर्स को एक्सटिंक्ट होने से बचाया जाए।
2013 में इसका जो स्कोप था उसको इंक्रीज कर दिया गया था, स्नो लेपर्ड्स को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया था। जो GTI के फाइंडिंग पार्टनर्स हैं वो हैं वर्ल्ड बैंक, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, ठीक है, स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन, सेव द टाइगर फंड, इंटरनेशनल टाइगर कॉलिशन, ठीक है, जिसमें 40 नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, प्लस में TRC जो टाइगर रेंज कंट्रीज हैं, ये 13 का टाइगर रेंज कंट्रीज है, उनका एक इनिशिएटिव है, ठीक है। रोल देख लेते हैं, वर्ल्ड बैंक का रोल जाना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक ने होस्ट किया था GTI का सेक्रेटेरिएट 1 जुलाई 2015 तक, और एक कन्वेनर था, एक ग्लोबल नेटवर्क की तरह काम करता था, किस तरीके से वाइल्ड टाइगर्स को सेव करेंगे और स्नो लेपर्ड्स को हम लोग एक्सटिंक्शन से बचाएंगे। सेक्रेटेरिएट ने हेल्प किया था कि स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव्स क्या होंगे, ठीक है ना, स्पेशली जो सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन था टाइगर कंजर्वेशन का और जो ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम था उनके लिए। अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन मैं पहले भी एक बार डिस्कस कर चुका हूँ, डिफरेंस क्या होता है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। तो सीक्वेंस देख लो, पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर नेशनल पार्क और फिर बायोस्फीयर रिजर्व। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हम लोग अगर देखें तो इनको एस्टेब्लिश किया जाता है सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए वाइल्ड लाइफ के, यानी कि वाइल्ड एनिमल्स के। अगर हम बात करते हैं नेशनल पार्क की तो ये प्रोटेक्ट करता है हमारे प्लांट्स को भी, एनिमल्स हो गया, वहाँ पर कोई हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट हो गया, पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम हो गया ना, फ्लोरा हो गया, फोना हो गया, फ्लोरा फोना का मतलब समझते हैं ना प्लांट्स और एनिमल्स, एंड इवन जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं कि वहाँ पर कुछ अगर आर्किटेक्चर वगैरह है, कोई मॉन्यूमेंट्स हैं उनको भी। देन कम्स बायोस्फीयर रिजर्व, ये प्रोटेक्ट करता है पूरी की पूरी बायोडाइवर्सिटी को, बायोडाइवर्सिटी के अंदर वैरायटी ऑफ प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ठीक है ना, प्लस जो ट्राइबल्स रहते हैं उस एरिया के अंदर उनको एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोवाइड करने का काम भी होता है बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जो बाउंड्रीज होती हैं वो फिक्स नहीं होती हैं, ठीक है ना, नेशनल पार्क की बाउंड्रीज फिक्स होती हैं जो कि गवर्नमेंट के कानून के तहत होती हैं, और जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं वहाँ पर भी बाउंड्रीज फिक्स होती हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर रेस्ट्रिक्शंस बहुत लेस होती हैं, ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ होती है, जैसे कि ग्रेजिंग करा सकते हो, यानी कि जानवरों को चारा चला सकते हो, लाइफ स्टॉक को, जानवरों को, कैटल को ले जा सकते हो, मेडिसिनल प्लांट्स कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, फायरवुड के लिए जो लकड़ी होती है सूखी वो कलेक्ट कर सकते हो, हंटिंग और कैप्चरिंग ऑफ एनिमल तो यहाँ पर भी प्रोहिबिटेड होता है। अगर हम बात करें नेशनल पार्क की तो यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ बिल्कुल भी अलाउड नहीं होती है, ठीक है, कटिंग ऑफ ट्रीज भी अलाउड नहीं होता है, लेकिन अगर हम बात करें बायोस्फीयर रिजर्व की तो यहाँ पर बहुत और भी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, ह्यूमन एक्टिविटी तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं होती कोर जोन के अंदर। हालांकि जो कुछ आउटर मोस्ट जोन होते हैं और जो बफर जोन होते हैं वहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ अलाउड होती हैं, ठीक है, एंड जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं दे मे बी ओन्ड बाय द गवर्नमेंट या फिर कोई प्राइवेटली ओन करता है इनको। नेशनल पार्क को गवर्नमेंट ही ओन करती है और बायोस्फीयर रिजर्व को भी गवर्नमेंट ही ओन करती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एक स्मॉल एरिया में होती है, नेशनल पार्क भी स्मॉल एरियाज़ में होते हैं, लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व्स जो होते हैं ये थोड़े से लार्जर एरियाज़ में होते हैं। एग्जांपल देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, संजय गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर नेशनल पार्क में आता है कॉर्बेट नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क एंड पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, और ये सुंदरबंस नेशनल रिजर्व हो गया। आई थिंक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है इस वेबसाइट ने, तो इनको प्लीज़ ध्यान में रखना, आपके एग्ज़ाम में आ सकता है ये बिल्कुल।